हेलो दोस्तों, बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाज़ार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज एक पर्टिकुलर आईपीओ से रिलेटेड अनाउंसमेंट हुई है। ओके, उससे रिलेटेड बातें करेंगे। ओके, काफ़ी बेहतरीन आईपीओ, काफ़ी देर से टाइम से लोग इसका वेट भी कर रहे थे। ओके, और शायद डिजिटल वर्ल्ड का वो एक ऐसा आईपीओ आने वाला है जो कि पूरे इंडिया को एक कनेक्ट करने के लिए काम आएगा। और जिस तरीके से आत्मनिर्भर भारत की बात चल रही है, तो वो डेवलपिंग में बहुत बड़ी हेल्प करने वाला है। तो आइए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। बट बिफोर दैट, आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ। एज वेल एज अभी मैंने एक वीडियो डाली है, 90 रुपये का एक शेयर। ओके, कंपनी का नाम है इन्फीबीम। ओके, इसने 1:1 का बोनस दिया है और इसके जो फंडामेंटल्स है वो भी एक तो आत्मनिर्भर भारत एज वेल एज डिजिटल वर्ल्ड में काफ़ी इंपॉर्टेंट रखती है कंपनी। तो इसकी तरफ ध्यान जरूर दीजिएगा, इसका एक वीडियो को देख लीजिएगा। तो इसमें मैंने आपको बहुत कुछ बताया। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। और एक बात और कहना चाहता हूँ, यहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन में दो लिंक मिलेंगे। एक तो आपका फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन हो जाएगा, ओके, और जो कि एंजल ब्रोकिंग के साथ होगा, जो कि सबसे अच्छी कंपनी है, ओके, ब्रोकिंग फर्म है। एज वेल एज अगर आप डोनेट करना चाहते हैं, ओके, मुझे नहीं, श्री राम जी का मंदिर बन रहा है, ओके, वहाँ के लिए यहाँ डोनेशन का लिंक है, वो सीधे इनकी वेबसाइट पर ले जाएगा। अपनी श्रद्धा अनुसार आप कंट्रीब्यूट करिए ताकि श्री राम जी का मंदिर बन सके। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। जो जिससे रिलेटेड बातें करने वाले, जिस जो आईपीओ आ रहा है, तो आप ऊपर देख सकते हैं रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड आईपीओ। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं रेलटेल, मतलब रेलटेल मतलब रेलवे टेली कम्युनिकेशन कह सकते हैं एक तरीके से, अगर इसका नाम दे देखा जाए। तो ये जो कंपनी है, करती क्या है, उससे रिलेटेड बातें करेंगे। इसका आईपीओ हमें आता हुआ नज़र आ रहा है, किस डेट को है, क्या है, क्या कितने हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा। ओके, क्या रेशो है, वो सब चीज़ हम जानेंगे। क्या GMP चल रहा है, ओके, वो सब जानेंगे। बट बिफोर दैट मैं आपको दिखा देता हूँ रेलटेल। ओके, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। तो काम क्या करती है उससे रिलेटेड हम बातें कर लेते हैं। तो देखिए, जो ये कंपनी है, जैसे कि आपको साफ दिखाई दे रहा है, रेल और टेल, मतलब अगर इसे तोड़ेंगे तो रेलवे प्लस में टेलीकम्युनिकेशन एक तरीके से देखा जाए तो ये होता है इसका एक संधि विच्छेद जिसे कहते हैं। तो देखिए, मिनी रत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंड ACT प्रोवाइडर एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट न्यूट्रल टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर इन द कंट्री, ओनिंग ए पैन इंडिया ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क ऑन एक्सक्लूसिव राइट ऑफ द वे अलॉन्ग रेलवे ट्रैक। ओके, तो इसका मकसद क्या है? तो ये जो है, ये जो कंपनी है, ये पूरे के पूरे इंडिया में, मतलब अराउंड द इंडिया, जो पैन इंडिया की बात करें, पैन इंडिया मतलब पूरे के पूरे इंडिया में, क्या रेलवे ट्रैक के अलोंग, मतलब जो भी जितने भी रेलवे ट्रैक जाते हैं, जैसे दिल्ली से मुंबई गया, या मुंबई से बैंगलोर गया, या बैंगलोर से कलकत्ता गया, तो रेलवे ट्रैक के साथ साथ, ओके, एक ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क लगाएंगे। ओके, जो ऑप्टिकल फाइबर किस लिए, कि नेटवर्क के लिए, मतलब इंटरनेट के लिए, ये इस तरीके से बनाएंगे कि और पूरी कंट्री, मतलब इंपॉर्टेंट टाउन्स, जितने भी इंपॉर्टेंट टाउन्स है, सिटीज़ है, ओके, रूरल एरियाज़ है, ओके, गाँव, मतलब ये पूरे के पूरे, जैसे कि आपको पता, बीच में आई न्यूज़ भी आई थी कि 11,000 करोड़ रुपए ऑप्टिकल फाइबर्स के लिए खर्च करने वाले हैं, ताकि वो पूरे इंडिया को एक इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट कर दे, ताकि सारी चीज़ों का सुविधा सबको मिल सके और सबको उस चीज़ का यूज़ कर सके। तो वो ही उसी मुहिम के थ्रू ये आगे बढ़ रहा है, और ये कंपनी उसमें काम कर रही है, और ये रेलवे ट्रैक के अलॉन्ग जितना भी नेटवर्क है वो लगाने जा रही है। तो इस कंपनी की तरफ ज़रूर ध्यान दीजिएगा। ओके, ये इसका है। और अगर इसके फाइनेंशियल्स आपको पढ़ने हैं तो यहाँ पर नीचे जाइएगा, तो यहाँ पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं एनुअल रिटर्न। और अगर एक्सपर्टीज़ की बात कर दूँ तो देखें, यहाँ पर ये जो कंपनी है, देखिए, अलग अलग चीज़ों में, HDCom, फैंसी डाटा सेंटर सर्विसेज, रेलवे, रेलवे ब्रॉड ब्रॉडबैंड, ओके, लीज लाइन, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, इंटरनेट लीज लाइन, तो मतलब जितना भी इंटरनेट से रिलेटेड काम है ना, इसमें ये काम कंपनी काम करती है। और यहाँ आप देख सकते हैं रेलवे डिस्प्ले नेटवर्क, ओके, रेलवे डिस्प्ले नेटवर्क, कंटेंट डिमांड, स्टेशन वाईफाई प्रोजेक्ट, जो इन स्टेशन पे आपको डिफरेंट डिफरेंट बड़े बड़े स्टेशन पे आपको वाईफाई मिलते हैं फ्री में, जो आप यूज़ कर पाते हैं, तो नेशनल ऑप्टिकल फाइबर, तो सब में ये कंपनी काम करती है। तो इसलिए लोग इसका काफ़ी टाइम से वेट भी कर रहे थे, और ये कहीं ना कहीं इंडिया को इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरीके से बन रहा है उसमें इंडिया को बहुत हेल्प करने वाला है। ओके, अगर इंडिया को इंफ्रास्ट्रक्चर दे तो उसमें तो हेल्प मिलेगी मिलेगी। एज वेल एज अगर बात की जाए तो पूरा इंडिया, मतलब पूरा इंडिया, देखिए ये जैसे कनेक्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो इसी तरीके से कनेक्ट होता हुआ दिखाई देगा आपको, मतलब इंटरनेट के थ्रू आप इजीली कुछ भी एक्सेस कर पाएंगे, और वो भी फ्री में।
तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। जैसे कि फ्री में क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि फ्री में जैसे कि आप रेलवे स्टेशन पर जाते हैं और वहाँ पर कनेक्ट करते हैं तो आपको फ्री में ही यूज़ कर पाते हैं, तो इसके रिलेटेड मैं बातें कर रहा हूँ। तो ये बता ही दिया है मैंने, ये क्या है, मिनिस्ट्री मतलब गवर्नमेंट कंपनी है, ओके, उससे रिलेटेड और इंडियन गवर्नमेंट के अंडर में ये आता है। अगर इसका हेड ऑफिस देखा जाए तो कंपनी हैज़ डेटेड सेंटर। अगर सेंटर्स की बात की जाए तो हरियाणा, गुड़गांव, सिकंदराबाद एंड तेलंगाना में इसके सेंटर्स है। अगर बात की जाए प्रोडक्ट की, और देखिए टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क जो मैं आप ऑलरेडी बता चुका हूँ, टेली कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज, डेटा सेंटर होस्टिंग सर्विसेज, सिस्टम इंटीग्रेटेड सर्विस, तो सब कुछ इंटरनेट से रिलेटेड ही यहाँ पर कंपनी काम करती है। ओके, कंपनी प्रमोटर्स की बात की जाए तो प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया मतलब कौन, अपने गवर्नमेंट ही है। अगर कंपनी के फाइनेंशियल देखा जाए तो यहाँ पर कंपनी के फाइनेंशियल आप देख लीजिए, कंपनी के फाइनेंशियल यहाँ पर देखिए 2018-19-2020 ये ईयर ऑन ईयर बेसिस पे है, मतलब फाइनेंशियल ईयर जो पूरा होता है, और ये 6 मंथ का पूरा डेटा दे रखा है 30 सितंबर 2020 का। अगर एसेट की बात की जाए तो एसेट तो देखिए यहाँ पर 23,228 करोड़ की थी 18 में, अगर उसके बाद देखिए घटते हुए नजर आई है 22,276, फिर उसके बाद 23,981, फिर अभी अगर सितंबर की बात की जाए 24,821। तो एसेट तो सेम लगभग सेम ही है। अगर टोटल रेवेन्यू की भी बात करें तो टोटल रेवेन्यू देखिए यहाँ पर 2018 में 10,212 मिलियन रुपीज़ है, ध्यान रखना, और इसके बाद बढ़ता हुआ 10,382, और फिर उसके बाद बढ़ता हुआ 11,660, और इसके बाद टोटल रेवेन्यू की बात की जाए ये 6 महीने का है। ओके, अगर पूरे साल की अभी जो आएगा Q4 के रिजल्ट्स जब ये देगा तब पता चलेगी, बट फिर भी अगर देखा जाए इसे दुगना कर सकते हो तो लगभग 1100 या 12000 के लगभग यहाँ पर आपको 11,000-12,000 के लगभग यहाँ पर रेवेन्यू इन मिलियंस में नजर आएगा। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात की जाए तो प्रॉफिट भी देख सकते हैं 1340, फिर उसके बाद 1353, फिर 1410, और अभी 6 महीने में 455। तो देखिए आपको बताना चाहता हूँ रेवेन्यू में और प्रॉफिट में कुछ खास जंप नहीं है, बट स्टिल देर इज अ सम मतलब कुछ ना कुछ तो जंप है ही है। ओके, बट अगर जैसे जो एक प्लान के अकॉर्ड प्लान किया गया है और अगर उस तरीके से अगर सब कुछ सक्सेसफुली होता है ना, तो ये जो कंपनी है जो रेलटेल है, ओके, आपको मल्टीबैगर रिटर्न्स दे सकती है। ओके, तो और बहुत अच्छा प्रॉफिट आपको फ्यूचर में हो सकता है, फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि रेल अभी आपको आप ओपन हो जाएगा तो आपको सीधे आपके पैसे डबल हो जाएंगे, 4 गुना हो जाएंगे, ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट कि जैसे जैसे ये ग्रो कर रहा है, जैसे जैसे इसका प्रोजेक्शन है, जैसे जैसे इसके प्रोडक्ट है प्रोजेक्ट है, अगर वो इस तरीके से बढ़ने लग गए जो अकॉर्डिंग टू जो इनके कहते हैं ओपिनियन है जो इनका, कि इस तरीके से वो बढ़ाएंगे, अगर ऐसा कुछ हुआ तो ये कंपनी आपको अच्छा खासा रिटर्न फ्यूचर में मल्टीबैगर रिटर्न्स देते हुए नजर आएगी। ऑब्जेक्टिव क्या है, टू कैरी आउट द डाइवेस्टमेंट प्लान, जो देखिए अभी अभी मोदी साहब ने डाइवेस्टमेंट प्लान चल रहा है तो उसी के अकॉर्डिंग ये IPO लाया जा रहा है। इससे पहले अभी आपको एक और IPO रेलवे से रिलेटेड आते हुए दिखा था। अगर बात की जाए टू अचीव द बेनिफिट ऑफ द इक्विटी शेयर लिस्टिंग, ओके, स्टॉक मार्केट में आ जाएगा तो ऑब्वियसली बात है रोलिंग होनी शुरू हो जाएगी, तो उसी से रिलेटेड यहाँ पर ये सब चीज़ दिखाई जा रही है। अगर बात की जाए कि क्या है इससे रिलेटेड, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं IPO का जो यहाँ पर 16 फरवरी जो कि कब है देख लेते हैं, 16 तारीख मतलब ट्यूसडे, मतलब नेक्स्ट जो कमिंग ट्यूसडे है, ओके, उसमें ओपन होता हुआ नजर आएगा, 18 को एक क्लोज हो जाएगा, तो 3 दिन आपको मिल रहे हैं, उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। 10 रुपये का यहाँ पर आप देख सकते हैं फेस वैल्यू है। IPO प्राइस की बात की जाए तो 53 से 94 रुपये 93-94 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर, मतलब एक शेयर की कीमत आपको मिलेगी, बट आपको पहली बार में एक ही लॉट अप्लाई करना पड़ेगा जिसमें 155 शेयर्स का एक लॉट आपको मिलता हुआ नजर आएगा। BSE NSE दोनों जगह लिस्ट होगा। अगर बात की जाए इशू साइज की तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं 8,71,53,369 इक्विटी शेयर 10 रुपये के फेस वैल्यू के साथ, लगभग 819 करोड़ रुपये का यहाँ पर आपको ये आता हुआ नजर आ रहा है, और ये पूरा ऑफर फॉर सेल ही है, अपने मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसकी हिस्सेदारी बेचती हुई नजर आ रही है। अगर बात की जाए IPO डेट की तो जो मैं आपको बता चुका हूँ, ओके, 16 तारीख को आता हुआ नज़र आएगा, 18 को क्लोज हो जाएगा। अलॉटमेंट डेट अगर आपको मिला होगा तो आपको 23 तारीख को अलॉट हो जाएगा, अगर नहीं मिला होगा 24 तारीख को आपको रिफंड इनिशिएट किया जाएगा। और अगर बात की जाए क्रेडिट ऑफ शेयर्स, 24 तारीख को ही आपके अकाउंट में शेयर आ जाएंगे। IPO लिस्टिंग डेट की बात की जाए तो 26 तारीख यहाँ पर बता रहे हैं कि 26 तारीख को IPO यहाँ पर लिस्ट मार्केट में अपने NSE और BSE पे लिस्ट होता हुआ
26 तारीख को नज़र आ जाएगा। ओके, लॉट साइज ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, 13 लॉट आप मैक्सिमम के लिए अप्लाई कर सकते हैं रिटेल इन्वेस्टर, जो कि 1,89,410 रुपीज़ का होता है। ओके, और अभी 100% की होल्डिंग किसके पास है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है। और अगर मैं कुछ और आपको इसके बारे में बता दूँ, तो यहाँ पर अगर हम नीचे जाएंगे तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पर जो है एंकरिंग इन्वेस्टर्स के लिए लगभग 294 करोड़, मतलब 244.36 करोड़ रुपीज़ होंगे, इतने शेयर उन्हें दिए जा रहे हैं। QIB के थ्रू यहाँ पर 162.91 करोड़ QIB के लिए रखे गए हैं। अगर रिटेल इन्वेस्टर की बात करें तो 3,03,28,680 शेयर ओके यहाँ पर रखे गए हैं। किसके लिए ये रखे गए हैं? रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए। तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, लगभग 35% होता है, तो यहाँ पर हमें मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर हम बात करें GMP की, तो मतलब GMP मतलब जो आपका ये ग्रे मार्केट प्राइस होता है, तो कितना चल रहा है, 45 रुपीज़ यहाँ पर GMP चल रहा है। किसका GMP चल रहा है? इस IPO का। तो इस IPO में अप्लाई करना है या नहीं करना है, उससे रिलेटेड मैं आप बता देता हूँ। देखिए, अभी मार्केट अच्छी चल रही है, ओके मार्केट अच्छी चल रही है, तो ऑब्वियसली बात है कोई भी IPO आ रहा है तो वो अच्छा खासा रिटर्न देते हुआ नज़र आ रहा है। लास्ट जो रेलवे का IPO आया था, जो कि वो इतना हमें रिटर्न नहीं दे पाया था, वो लगभग फ्लैट या 1 रुपये ही बढ़ता हुआ नज़र आया था। ओके 25 रुपये उसका प्राइस था आई थिंक, और 25 पे ही या 26 रुपये पे वो लिस्ट होता हुआ नज़र आया था, और अराउंड अभी भी उसी एरिया पे वो घूम रहा है। ओके तो रेलटेल की बात करें तो देखिए, उसका तो जो GMP था वो स्टार्टिंग से ही इतना था, बट इसका जो GMP है 45 है, मतलब 45 मतलब आप समझ रहे हैं लगभग 50% के प्रीमियम से लगभग ये चल रहा है, 50% के प्रीमियम से चल रहा है। तो अच्छा खासा रिटर्न आपको देखिए मिल सकता है अगर मार्केट इसी तरीके से चलती रही, क्योंकि मैंने एक कंपैरिजन किया था, ऊपर एक वीडियो दूंगा कि क्या हुआ था SBI के टाइम पर, रोजरी बायोटेक का जो IPO आया था क्या हुआ था, तो दोनों के बीच में डिफरेंस बताया था। तो एक तो फ्लॉप रहा, अच्छी कंपनी थी, एक ठीक ठाक कंपनी थी, बट स्टिल वो कंपनी ने आपको 100% के रिटर्न दे दिए थे। तो वही चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, मार्केट अच्छी रही तो अच्छा खासा भागेगा, बट फ्यूचर के प्रोस्पेक्टस से जिस तरीके से कंपनी काम कर रही है, जिस तरीके से पूरे इंडिया को, पैन इंडिया को कनेक्ट किया जा रहा है ऑप्टिक फाइबर केबल, तो आपको बताना चाहता हूँ। और 11,000 करोड़ रुपए का ये पूरा प्रोजेक्ट भी आई थिंक, तो अच्छा खासा इस कंपनी को प्रॉफिट होता हुआ नज़र आएगा, जो कि आपको मल्टीबैगर रिटर्न्स फ्यूचर में दे सकता है, जो कि आने वाले 4-5 साल में होने वाला है। तो अगर लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्टर हैं तो आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप मेरी तरफ से कर सकते हैं, बट स्टिल आप अपने एडवाइज़र से, फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर पूछ लीजिएगा, खुद की स्टडी कर लीजिएगा, जो है वो मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पर सब कुछ डिस्कस करके बता दिया है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा, अदरवाइज़ हम और हमारे चैनल इस बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाजार को सब्सक्राइब करो, शेयर करो फैमिली फ्रेंड्स के साथ, और थोड़ी सी लाइक कमेंट शेयर भी कर दिया करो, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और मैं ऐसे हमारा जो एक परिवार है यूट्यूब का, हमारे सब्सक्राइबर्स का, जो डिफरेंट डिफरेंट लोगों का, तो वो बढ़ता हुआ नज़र आए और उन्हें इस वीडियो से रिलेटेड नॉलेज भी मिलती रहे और मुझे भी आप लोगों से मिलती रहे। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।